ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसने जो है नाम रोशन किया है, और हम चाहते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है हमारी युवा, वो भी कुछ ऐसा करके दिखाएं। उनके लिए इंडिया सरकार कुछ ऐसा करे यहाँ पे रोशनाबाद में कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे जो है युवाओं के लिए इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। वो लड़की अपनी उससे ग्रोथ करके आगे बढ़ी है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी हम बहन? इतना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि खुशी के वजह से जो है हम बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हमें कितनी खुशी है, हम वो खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। जिस गांव से वंदना आती है वो किस तरह का गांव है, वो कौन सा एरिया पड़ता है वो? वो गांव रोशनाबाद पड़ता है, मतलब छोटा सा ही गांव है जहाँ से वो निकली है। लगभग जब वो प्रैक्टिस के लिए जाते थे, इस गांव में लगभग 40-50 ही घर होते थे, तब से उसने ये प्रैक्टिस की है। और उसका सपना था कि ओलंपिक में मुझे गोल्ड लाना है। पहली बार टीम इंडिया इतनी आगे पहुंची है, किस जी तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहोगे टीम ये को? पूरी टीम इंडिया की जो है लगन और मेहनत है सर, जो है वो इतना आगे तक पहुंच पाई, वरना 41 साल बाद जो है उसने पहली बार वो किया है, फर्स्ट मैच जीता है और आगे बढ़ी है। उत्तराखंड सरकार को किस तरह की सहायता, किस तरह से ध्यान देना चाहिए यहाँ पे? उत्तराखंड सरकार को देखो, ये वंदना कटारिया जो है छोटी सी फैमिली है, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली है, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इनकी मतलब इनकी वो समझनी चाहिए कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वंदना कटारिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। वंदना कटारिया को अभी तक जो है उस नज़ारे से नहीं देखा गया कि वो जो है कि अपनी आप सोच सके कि हाँ मेरे पास, मतलब मैं जिम्मेदारी से हट जाऊँ और खेल पे ध्यान दूँ, उसको फैमिली की तरफ ही ध्यान देना पड़ता है। जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी बिटिया ऐसा काम कर देगी, पर फिर भी उसने अपनी लगन मेहनत से बहुत अच्छा किया। किसको जाता है इसका श्रेय? जी, पूरी टीम को देंगे शायद। तो ऐसा तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, पर फिर भी वंदना को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इंडिया टीम में सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, और घर वालों को बहुत खुशी है। पापा का एक सपना था जो आज वो पूरा कर रही है। कभी उम्मीद सोची थी आपने? नहीं, यहाँ तक कि उम्मीद नहीं सोची थी कि वो कभी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाएगी। पहली बार टीम इतनी आगे पहुंची है, हाँ जी, कितनी खुशी है पूरी फैमिली में, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत खुशी है पूरी फैमिली में। बस थोड़ी कमी खल रही है पापा की, बाकी भाई भाभी सब, मम्मी बहुत खुश है। और मतलब सभी ये नहीं समझाता है कि मतलब वहां तक भी पहुंच पाएगी कभी। ये बहुत अच्छी बात है कि टीम इंडिया आज इस लेवल पर पहुंची है, तो बधाई है पूरी टीम को। और बहुत अच्छा खेले आज, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी टाइम से मतलब हार नहीं रही थी, तो आज उनको हराया तो बहुत बढ़िया बात है कि आज हम वहाँ तक पहुँचे। वंदना कटारिया तो हमारे लिए तो बस एक इंस्पायरेशन ये है, मतलब अच्छा खेलती है, बहुत अच्छा खेलती है अपनी टीम के लिए, और देश का काफ़ी नाम किया हुआ है, और अपने राज्य और गाँव का अच्छा नाम किया हुआ है वंदना कटारिया ने, बहुत अच्छी प्लेयर है। क्या कहना चाहोगे पूरी टीम को, क्या कहना चाहोगे? पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि पूरी टीम गोल्ड लेकर आए। उत्तराखंड सरकार से अभी तक ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सिर्फ दो ही लोग आए हैं, SSP साहब और DM साहब, जबकि इतना ओलंपिक चल रहा है तो मेरे हिसाब से और लोगों को भी आना चाहिए था, और अच्छी तरीके से शाबाशी देनी चाहिए थी घर पे आके। और वंदना कटारिया को अभी तक मेरे हिसाब से उन्होंने सम्मानित उस हिसाब से नहीं किया गया जिस करना चाहिए था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मेरी लड़की इंडिया टीम में गई हुई है, जीत का हुआ, मैं बहुत खुश हूँ।